हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए सॉफ्ट स्पंजी कॉफ़ी चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और आप घर पे बिल्कुल आसानी से घर के ही इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कॉफ़ी स्पंज बनाएंगे, जिसमें कॉफ़ी फ्लेवर के लिए मैं सबसे पहले एक बाउल ली हूँ। इसमें 1 टेबल स्पून कॉफ़ी डाल रही हूँ, साथ ही साथ गर्म पानी, एकदम बहुत ज़्यादा ही गर्म होना चाहिए वो गर्म पानी, इसमें मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और इसे बिल्कुल अच्छी तरीक़े से, जब तक ये कॉफ़ी अच्छे से घुल ना जाए, हमने यहाँ पर गर्म पानी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इससे कॉफ़ी का जो फ्लेवर रहता है वो बहुत अच्छी तरीक़े से बाहर निकल के आता है। इसकी जगह में दूध का भी यूज कर सकते हैं, आपका मन में ऐसा सवाल आ रहा है, लेकिन नहीं, दूध से उतना फ्लेवर बाहर नहीं आता है, उतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप फ्रेंड्स, जो असली रेसिपी होता है इसमें पानी का ही यूज होता है, पानी की ही यूज़ कीजिएगा। अब हम इसे साइड में रख देते हैं ताकि ये हमारा जो कॉफ़ी, जो गर्म पानी हमने डाला है वो ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर में आ जाए। दूसरी तरफ हम स्पंज की तैयारी कर लेते हैं। तब तक यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है और इसमें मैं 3/4 कप दूध डाल रही हूँ। ये दूध हमने गर्म करके रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लिया है। साथ ही यहाँ इसमें 3 टेबल स्पून हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। साथ ही साथ इसमें हम 1/2 कप पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। अब इसमें हम जो कॉफ़ी का जो घोल बना के रखा था उसे डाल दे रहे हैं। साथ ही 1 टीस्पून के जैसे इसमें हम वेनिला एसेंस डाल रहे हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तब तक कि जब तक एक दूसरे से सारी चीज़ें मिल ना जाए, चीनी हमारा अच्छे से घुल ना जाए। बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए, अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें एक छन्नी रख रही हूँ और इसमें मैं 1 कप मैदा डाल रही हूँ। साथ ही साथ इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर डार्क कोको पाउडर लिया है और साथ ही 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हम छान लेंगे। देखिए, ये अच्छे से छान ली हूँ। अब इसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बिल्कुल अच्छे से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। ये हमारा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए, इस तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, फ्लोइंग एकदम, देखिए इस तरह से। अब हम इसमें जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दिए हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून के जैसे वेनेगर डाल रहे हैं, जो वही वेनेगर नॉर्मल जो हम घर में चाइनीज आइटम के लिए डालते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से हम यहाँ स्पेचुला से कट एंड फोल्ड से मिक्स कर ले रहे हैं। हमने ऑलरेडी वहाँ पर ओवन भी गर्म करने के लिए, प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस में, 10 मिनट के लिए रख दिया है। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा। देखिए, अब हम इसे 6 इंच के टीन में डाल रहे हैं, जिसे टीन को हम पहले ही यहाँ पर लाइनिंग करके रख चुके थे। देखिए, इसमें डाल दे रहे हैं। जैसे ही आप वेनेगर डालें उसमें, उसके बाद आप तुरंत ही मिक्स करके डाल दीजिएगा ताकि आपका केक जो हो सॉफ्ट और फ्लफी बने। नहीं तो अगर लेट करेंगे तो ये हमारा स्पंज जो है वो सॉफ्ट नहीं होगा और फूलेगा भी नहीं। देखिए, अब इसे हम बेक करने के लिए ओवन में रखते हैं। देखिए, 180 डिग्री सेल्सियस में हम 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे। आप बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा, जैसे ही 25 मिनट हो एक बार चेक कर लीजिएगा। कभी कभी टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। अब हम इसे बेक करने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक केक हमारा बेक हो रहा है तब तक हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम ली हूँ और ये व्हिपिंग क्रीम एकदम चील होना चाहिए। साथ ही इसमें मैं 2 टीस्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ। इससे चॉकलेट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा क्रीम में भी, और जो कोको पाउडर का जो कड़वापन होता है थोड़ा सा, उसे हटाने के लिए ये 1 टीस्पून मैं यहाँ पर शुगर ऐड कर रही हूँ। हालांकि हमारा व्हिपिंग क्रीम भी स्वीट रहता है, पर कोको पाउडर डाल रही हूँ इसकी वजह से हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 टीस्पून शुगर पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से स्पेचुला से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही हम अगर बीटर को चला देंगे तो ये हमारा सारा मुंह पे उड़ के आ जाएगा। देखिए, ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रिक बीटर ली हूँ। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर लो स्पीड में चलाएंगे, कम से कम 5 मिनट तक बीट करेंगे इसी तरह से।
देखिए जैसे जैसे बीट हो रहा है इसका कलर चेंज होते आ रहा है और थिकनेस बढ़ रहा है, फूल रहा है। देखिए इसी तरह से, देखिए 5 मिनट हो गया, देखिए हमारा ये कंसिस्टेंसी क्रीम की बहुत ही चेंज हो चुकी है। अब हम इसे हाई स्पीड में तब तक बीट करेंगे जब तक हमारा ये क्रीम अच्छे से बीट ना हो जाए और स्टिक पिक ना बनने लगे। इसी तरह देखिए ये चलते रहेंगे, कंटिन्यू इसे हम इसी तरह से बीट करते रहना है। ये देखिए हमारा क्रीम बीट होके रेडी हो गया है, ये स्टिप बन गया है। एक क्रीम बीटिंग का फुल प्रोसेस किस तरह से हमारा क्रीम को अच्छे से बीट करना है, एक अलग से वीडियो हमने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, जरूर से जाके उसे देखिएगा। दूसरी तरफ हमारा केक भी अच्छे से बेक हो चुका है, इसे हमने निकाल दिया है। देखिए अब इसे थोड़ी देर हम इसी तरह 5 मिनट रख देंगे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे अब हम डिमोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम सारी लाइनिंग पेपर को हटा देंगे, देखिए कितना सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बना है ये केक हमारा। अब हम इसे एक नाइफ की हेल्प से 3 लेयर में कट कर लेंगे, इक्वली 3 लेयर में इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आप घुमाते हुए 3 लेयर में कट कर लेंगे। देखिए लेयर कितना जालीदार सा बना है। अब यहाँ पर मैंने एक लेयर को ले लिया है और यहाँ पर देखिए मैं एक बाउल में पहले से ही सोकिंग सिरप बना के रखी थी। यहाँ पर मैं एक बाउल में 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर और 1 टीस्पून शुगर लेके इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके इस तरह से घोल बना लिया है, सिरप बना ली हूँ। अब हम इस सोकिंग सिरप को केक के ऊपर लेयर के ऊपर अच्छे से डाल देंगे, बिल्कुल अच्छे से डालना है। अब इसके ऊपर हमने जो क्रीम फेट के रखा था उसे डाल देंगे और अच्छे से ऐसी रफली फैला लेंगे चारों तरफ। फिर इसी प्रोसेस को नेक्स्ट लेयर में भी करेंगे, सेम तीनों लेयर में हम इसी ऐसे ही प्रोसेस करेंगे, पहले सोकिंग सिरप फिर क्रीम, इसी तरह से करके। देखिए हमने तीनों लेयर को कर दिया है। अब इसे क्रीम से अच्छे से चारों तरफ से हमें अच्छे से ढक देना है, अच्छे से स्मूथ कर लेना है। इस तरह से पैलेट नाइफ के हेल्प से चारों तरफ से स्मूथ बिल्कुल कर लेना है, मिक्स कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। देखिए इस तरह से टर्न करते करते चारों तरफ हमें अच्छे से इसको कोटिंग कर देना है। देखिए ये हमारा केक अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। अब इसे इस तरह से हम जो भी अनशेप पार्ट है उसे इस तरह से शेप कर लेंगे और स्मूथ कर लेंगे। अब मैं एक कॉम के हेल्प से इस तरह से साइड में डिज़ाइन कर दे रही हूँ, इसे बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। देखिए अब ये हमारा केक को अच्छी तरीके से कोटिंग हो चुका है क्रीम से। अब हम इसे फ्रीज में कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे, आपके पास टाइम ना हो तो कम से कम 15 मिनट भी एटलीस्ट रख दीजिएगा ताकि क्रीम हमारा अच्छे से सेट हो जाए। गनाश के लिए यहाँ पर हमने एक पैन में 1/2 कप यहाँ पर डार्क चॉकलेट हमने कट करके रखा है, देखिए डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पर 3 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ और इसे मेल्ट होने तक अच्छे से पकाएंगे। देखिए ये हमारा बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो रहा है, देखिए बहुत ही अच्छे से इसी तरह चलाते रहना है, ये हमारा बहुत अच्छे से गनाश बन के फटाफट से रेडी हो जाएगा। देखिए कितना स्मूथ सा गनाश बना है, सारी चॉकलेट हमारा मेल्ट हो चुका है, ये हमारा गनाश बन के रेडी हो गया है। इसे हम रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए 5 मिनट रख देंगे। केक को हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, ये अच्छे से क्रीम सेट हो चुका है, ये हमारा गनाश भी ठंडा हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें बहुत ही स्मूथली आहिस्ता से हमें इस तरह से गनाश को डालते रहना है। देखिए ये खुद ब खुद चारों तरफ फैल जाएगी और ये देखिए इसके जो लास्ट में इस तरह से ड्रॉप हो रहे हैं, ये एक डिज़ाइन हमारा बन जा रहा है इस तरह से इसके बॉडी में। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन गया, कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन हो गया है। ये जाली हम इसलिए रखे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा जो हमारा गनाश होता है वो ताकि बोर्ड से हमारा नीचे बाहर गिर जाए, ड्रॉप हो जाए। ये थोड़ा सा मैसी लगता है, बाद में आप आसानी से इस बोर्ड को साफ कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पूरा अच्छे से गनाश फैल चुका है और ये हमारा केक बन के रेडी हो गया है, इसका अच्छे से डेकोरेट हो गया है। पर और सुंदर सा इसको लुक देने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा क्रीम बचा हुआ था उसमें थोड़ा सा पाइपिंग बैग में डाल दिए और रोज़ नोज़ल जो है उसको
लगा दिए हैं इसमें, और इस तरह से हम फ्लावर बना ले रहे हैं, रोज फ्लावर। देखिए इस तरह से शुरू में हमें इस तरह से थोड़ा क्रीम से इस तरह रखना है, फिर एक एक करके जो हमारा जो नोजल का स्मॉल साइज है अंदर घुसा हुआ उसको नीचे रखना है, और ऊपर वाला इस तरह से बड़ा वाला साइज ऊपर रखना, और इस तरह से एक के बाद एक इस तरह से पेटल हमें बनाते रहना है। ये देखिए हमारा रोज बन के रेडी हो गया है। इस तरह से हम 2-3 रोज बना के इस तरह से देखिए एक के बाद एक केक में इस तरह से रख दिए। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा केक बन के रेडी हो गया है। आप अगर चाहें तो अपने तरफ से और कोई डिज़ाइन भी दे सकते हैं, बट इसमें इतना ही काफ़ी है, हम और कोई डिज़ाइन नहीं देंगे। थोड़ा सा क्रीम हमारा बचा हुआ है, M1 नोजल देके हम इस तरह से नीचे में इस तरह से बॉर्डर बना दे रहे ताकि ये जो हमारा थोड़ा सा मेसी मेसी है वो कवर कर जाए। देखिए ये हमारा फाइनली हमारा कॉफ़ी चॉकलेट केक बन के रेडी हो गया है। तो ये हमारा घर पे ही बेकरी स्टाइल का केक रेडी हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा, और आप भी एक बार ज़रूर से घर में बनाने का ट्राई कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हमें ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।